नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाल्मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे चंद्रमा से निकली भाग रेखा कैसे आपके भाग को चमकाती है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीवन के होने वाले घटनाक्रम के बारे में बताती है। यह हमारी मस्तिष्क रेखा, हम किसी बात को कितना एक्सप्लेन करते हैं, कितनी गहराइयों में जाते हैं उसके बारे में बताती है। यह हमारी हृदय रेखा, हृदय रेखा हमारे प्यार के बारे में बताती है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमारा चंद्रमा क्या है और चंद्रमा से निकली हुई भाग रेखा आपके मन को, आपके काम को, आपके भाग को कैसे चमकाती है। यह हमारा मून का क्षेत्र है। मून मन का कारक होता है, मून ज्ञान का कारक होता है, मून प्रसन्नता का कारक होता है। अगर आपका मन है, खुश है तो सब कुछ चीजें आपको मिल जाएगी। अब यहां से भाग रेखा निकली हुई, भाग रेखा निकली हुई शनि के माउंट तक पहुंच रही है। आपका भाग जो है ना, या तो शादी के बाद उदय होगा या नौकरी के बाद उदय होगा। ऐसे लोगों का जो सपोर्ट होता है ना, पत्नी का काफी सहयोग होता है और अपने जो फ्रेंड सर्कल होते हैं उनका काफी सपोर्ट होता है। जिंदगी में ऐसे लोग जो है ना, शादी के बाद काफी उन्नत करते हैं। चंद्रमा क्या है? मन है। मन कब खुश होता है? जब आपको अपनी चीज, अपने लाइफ की सारी चीजें मिलती है, मन प्रसन्न हो जाता है। चंद्रमा जैसे मन का कारक है, भाग से निकली हुई रेखा हमारी जब भाग रेखा पर पहुंचती है तो आपका मन खुश हो जाता है। ऐसे लोगों की जो शादी होती है ना, काफी सुख और समृद्धि वाली होती है, पत्नी सपोर्ट करने वाली होती है। ऐसे लोगों का जो भाग होता है ना, काफी बेहतर होता है। अब भाग रेखा आपकी निकली चंद्रमा के क्षेत्र से और ये भाग उदय कब होगा? अब ये शनि के क्षेत्र है। शनि के क्षेत्र में जब भी ये इंटर करेगी ये भाग रेखा, आपका भाग उज्जवल है, आपकी किस्मत प्रखर है, आपका विकास प्रखर है। मतलब भाग की सारी चीजें आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। मन तभी आपका खुश होगा जब सारी चीजें आपको आपके लाइफ में, आपके जीवन में मिल जाएंगी, तभी आपका मन खुश होगा। और अगर इसी भाग रेखा के ऊपर अगर ये त्रिकोण का साइन बनता है तो जिंदगी में आप अवश्य मकान का निर्माण करेंगे, पैसे की सेविंग करेंगे, बहुत चीजें आप सेविंग करेंगे। पैसे की ग्रोथ के बारे में बताता है ये जो आपका ट्रायंगल बनता भाग रेखा में, तो आपके उन्नत के बारे में बताता है कि जिंदगी में आप ऊंचाइयों पर चढ़ते जाएंगे। और यहीं से भाग रेखा के साथ ये तीन चार लाइनें, तीन चार व्यवसाय के बारे में दर्शाता है कि इस एज में आप अपने जीवन में कई काम करके, कई प्रोफेशनल होगा जो आपका काम का, उसके थ्रू आपकी इनकम अलग अलग माध्यम से आएगी। जैसे कि भाग्य जो हमारा है किस एज में साथ दे रहा है उसको भी देखते हैं यहां पे। अब ये हमारा जो माइंड लाइन है, माइंड लाइन पे ये हमारी जो भाग रेखा पहुंचती है, इसको हम 35 का एज लेते हैं। 35 के एज के अकॉर्डिंग अगर यहां पे कोई ट्रायंगल बनता है या कोई ऐसी रेखाएं बनती है तो आपके भाग को बढ़ाने का काम करती है। अगर इसी के साथ ये हृदय रेखा है, हम इसको 51 का एज लेते हैं। अब किस एज में आपका भाग उदय हुआ है, किस एज में आपके कई व्यवसाय चले हैं और जीवन में ये व्यवसाय आपको लंबी उम्र तक पैसा आने का स्रोत के बारे में बताता है। आपका मन जितना खुश होगा, क्योंकि चंद्रमा से निकली हुई भाग रेखा तभी आपके मन को स्थिर करेगी, चमका देगी, आपके हर काम में वृद्धि करती है। और यहीं से एक भाग रेखा अगर ये गुरु के क्षेत्र पे जाती है
ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी का बेनिफिट मिलता है, सरकार से बेनिफिट मिलता है, ऐसे लोग राजनीति में जाते हैं और उच्च पद तक पहुंचते हैं। सरकार के क्षेत्र में होंगे, उच्च के पद पर पहुंचेंगे और राजनीति के क्षेत्र में अपना करियर सफल करना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति अवश्य सफल हो जाते हैं। और यहीं से एक रेखा सन के माउंट पे निकलती है। अब किस साल वो एज निकल रही है रेखा? अगर ये साल पे आपका जो करियर है, जो आप व्यवसाय करेंगे, जो आपका बिजनेस होगा, वो ऐसे चमकेगा कि आपका मान सम्मान यश कीर्ति सब कुछ हासिल हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा से निकली भाग रेखा मन को सजा के रख देती है, भाग को चमका के रख देती है। अब इसी के साथ ये जीवन रेखा से निकली प्रोग्रेस रेखा आपके जीवन में ऊंचाइयों के बारे में बताती है, सफलताओं के बारे में बताती है, आपके प्रोग्रेस के बारे में बताती है। अगर एक के बाद एक रेखा निकलती है जीवन में, चाहे व्यवसाय हो चाहे नौकरी हो, एक के बाद एक पदोन्नत कराती है, तरक्की कराती है आपको। और अगर इसी जीवन रेखा के ऊपर ये त्रिकोण का साइन बनता है तो इस एज में आप अवश्य जमीन खरीदेंगे और गाड़ी वाहन का सुख प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।